नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मोटिवेशनल बैंकर में। मोटिवेशनल बैंकर में आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी को समझने में ईच इरेक्सन ने भी काफी हेल्प करी है, पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करने में। और इससे संबंधित उन्होंने 8 डेवलपमेंट स्टेजेस हमें एक्सप्लेन की है या बताई है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहली स्टेज उन्होंने दी है हमें, वो स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब विश्वास और अविश्वास। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट मतलब जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं, या जो एक छोटा बच्चा रहता है आपने देखा होगा, जब वो किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है और वो फिर अपने आप को पूरी तरीके से उसके ऊपर छोड़ देता है। लेकिन एक बार यदि ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर वो ट्रस्ट करना बंद कर देता है। सेम चीज हमारे साथ होती है किसी पर्सनैलिटी पे, कि हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारे कलीग्स पे, हमारे पीयर ग्रुप्स पे, हमारे सुपीरियर पे ट्रस्ट करते हैं, अगर वो ट्रस्ट हमारा फुलफिल होता है, बना रहता है, तो वो ट्रस्ट हमेशा के लिए रहता है। और एक बार भी यदि ट्रस्ट टूट जाता है तो वो मिसट्रस्ट में डेवलप हो जाता है, या मिसट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है बोलना चाहिए। उसके बाद इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जब हम किसी चीज का इनिशिएटिव लेते हैं, कोई चीज स्टार्ट करते हैं और जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हम गिल्ट का अनुभव करते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, कई बार हम लोग कोई चीजें करते हैं, हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा जो रोल रहता है उसके अकॉर्डिंग किसी चीज़ का इनिशिएटिव रहते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए, लेकिन जब उस तरीके से अपनी पावर को सही इस्तेमाल नहीं कर पाते या सही तरीके से उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमें रोल का कन्फ्यूजन रहता है कि जो हमने चीज़ें करी वो हमारे लिए सही थी या नहीं थी, हमारी पावर में थी या नहीं थी, हमारा ये रोल था या नहीं था। उसके बाद जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, जब हम चीजों को नए नए तरीके से करते हैं और वो फुलफिल नहीं होती तो कहीं ना कहीं स्टैग हो जाते हैं, मतलब चीजों को रोक देते हैं। एनाटोमी वर्सेस शेम और डाउट, जब एनाटोमी चीजों के साथ करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं और वो क्रिएटिविटी हमारे एम्स को फुलफिल नहीं कर पाती या हमारे गोल्स पे नहीं पहुंच पाती है, तो हमें अपने ऊपर डाउट होने लगता है, हमें शेम फील होने लगता है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियरिटी, ये भी वही चीज है। उसके बाद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, की कोई चीज हमें नहीं कर हम करने चाहते हैं और वो चीज उस तरीके से नहीं हो पाती तो हम आइसोलेट हो जाते हैं, खुद को एक बोलना चाहिए बॉक्स में बंद कर देते हैं और चीजों को हम एक्सप्लोर नहीं करते। इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपीयर, ये भी एक इसी तरीके की चीजें हैं कि हम ये मान ले कि मान लीजिए कि हम कैरियर के लास्ट में हैं, हम करियर के लास्ट में हैं और हमारा रिटायरमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है। रिटायरमेंट के टाइम पर अगर हम अपनी चीजों को फुलफिल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम यूजलेस रहे, हम वर्थफुल नहीं रहे, हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो इस तरीके से आगे इनको अगर आपको डिटेल में समझना है इन 8 थ्योरीज को, तो हम डिटेल में और भी आगे बात करेंगे हमारे वीडियोस में। फिलहाल हम बात करने वाले हैं हमारे मोटिवेशनल बैंकर की। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर CIB। यहाँ पे चारों पेपर जो हैं आपके, उन चारों पेपर के आपको चैप्टर वाइज वीडियोज मिलते हैं, लेक्चर वाइज चैप्टर वाइज वीडियोज मिलते हैं। आप अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे अपनी स्टडी आराम से कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके खुद को आप बहुत अच्छे से निपुण बनाइए और अपनी एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होइए। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए मोटिवेशनल बैंकर, रजिस्टर करिए अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।